लेकिन ईश्वरी कारोबार के लिए हिम्मत कैसे दिखाई, तो एक महीना तक कहती है हम रोज जाके बैठते थे। एक दिन लखनऊ में बैठे थे तो वो अपना अनुभव मुझे सुना रही थी, हम और दोनों बैठे थे दादी, तो अधिकारी सारे तंग आ गए, इस लड़की को भगाएं कैसे यहां से। कहे दादाजी हम जाएंगे नहीं जब तक हमको आप रहने का मकान नहीं दोगे। तो जो मकान टेम्परेरी एक 8-10 दिन के लिए लिया गया था हजरतगंज में, 4th मंजिल पर था, कहा वो ही हमको अलाट कर दीजिए। तो बड़ी उससे मिन्नत से अधिकारियों ने वो मकान उनको दादी गुलजार के लिए अलॉट कर दिया। वो आज दिन तक भी हजरतगंज में 4th मंजिल के ऊपर 4-5 कमरों का मकान है, 5-6 कमरे हैं उसमें, वो आज भी उसमें है। अभी भी कोई उसको खाली नहीं करा पाया, ऐसा परिश्रम। देखो महिला, आप सभी महिलाएं हैं, हमारी दादी जी भी एक महिला थी, उनकी माता जी थी ऑलराउंडर, उनका नाम था ऑलराउंडर, नाम तो कुछ और रहा होगा, लेकिन ऑलराउंडर इसलिए कहते थे कि वो सारे काम करते थे, जितने भी काम थे जो कोई ना कर सके सब काम वो करती थी। तो मैं कभी कभी मिलने जाती थी करौल बाग उनसे, तो ये मुरलियाँ जो है इनके लिफाफे और धागे इकट्ठे कर करके रखती थी। दादी क्या कर रही हो, कहती थी ये धागे हैं ना ये लोग इधर उधर फेंक देते, मैं इकट्ठे करती हूँ, ये धागे सारे इकट्ठे करके मैं माउंट आबू भेज देती हूँ और फिर उन्हीं धागों से फिर मुरली बुक पोस्ट बांध के पैक करके आ जाती है, तो ये यज्ञ की मदद हो जाती है। यज्ञ के अंदर रह करके, यज्ञ के अंदर एक धागे की भी बड़ी वैल्यू है जो 1.5 बालिश का धागा है। मुरली का बुक पोस्ट खोलते हैं हम लोग, धागा इधर उधर फेंक देते हैं, लेकिन गुलजार दादी की जो माँ थी उनको ऑलराउंडर कहते थे। ऑलराउंडर का मतलब होता कि दुनिया के सब काम कर लेना, चाहे चौके का हो, चाहे ऑफिस का हो, चाहे झाड़ू पोछे का हो, चाहे भाषण करने का हो, वो हर काम में बड़ी होशियार थी। और मेरा कोर्स पहले दिन दादी ऑलराउंडर ने ही कराया था जो गुलजार की माँ थी। फर्स्ट दिन जब मैं गई थी कमला नगर में क्लास करने के लिए, तो ऑलराउंडर दादी ही क्लास करा रही थी। तो इतनी दृढ़ता, दृढ़ता तो हर व्यक्ति के अंदर होती है, आप लोगों में दृढ़ता कोई कम है क्या? बच्चों के लिए, परिवार के लिए, पति के लिए, घर के लिए, समाज के लिए, आप सभी के अंदर पुरुषों से अधिक दृढ़ता महिलाओं में होती है। लेकिन यह दृढ़ता अगर ईश्वरी कार्य में लग जाए तो भारत स्वर्ग बन सकता है। कैसे? कहते हैं ना, नारा क्या लगाते हैं, वंदे मातरम, वंदे पितरम नहीं कहते हैं। काम लोग ज्यादा पुरुष लोग करते हैं, पैसा कमाते हैं, परिवार चलाते हैं, घर मकान बनाते हैं, हैं महिलाओं के लिए जेवर बना के तैयार करा देते हैं, कितना काम करते हैं पुरुष, लेकिन फिर भी वंदे मातरम क्यों कहा गया, वंदे पितरम क्यों, वंदे भ्रातरम क्यों नहीं कहा गया? तो ये बात मैं इसलिए सुना रही हूं कि आप माताएं बहनें बहुत तकदीर वाली हैं, बहुत कुछ काम कर सकती हैं, क्योंकि आपने भगवान को पहचाना है, बाबा को पहचाना है, तब तो रोज पढ़ाई पढ़ती हो आकर के। पढ़ाई पढ़ने के साथ साथ आप बाबा के कार्य को भी करो, तो आप दादी गुलजार जैसी ही बन जाएंगी, आप कोई कम नहीं है, आप सभी भी बहुत मूल्यवान हैं।
बहरहाल अटेंशन अगर हम बुरा ना मान जाए परिवार की तरफ ज्यादा है, इस तरफ कम है। सोचिए आज हम हैं, कल या 10 दिन बाद या 10 महीने बाद या 10 साल बाद, शरीर तो छोड़ के जाना ही जाना है, परिवार तो छूटेगा ही, छोड़ना ही है। सोच के देखो, आज नहीं तो कल बिखरेंगे यह बादल। देह लिया है, शरीर लिया है, तो शरीर छोड़ करके भी जाएंगे। समाज को भी चलाना है, परिवार को भी चलाना है, घर गृहस्थी को भी चलाना है, लेकिन आप सभी ने शिव बाबा को पहचाना है, भगवान को जाना है, समझाया, तो आप ईश्वरी कार्य में मददगार बनती हो, बनी हो, तो आप बहुत लकी हो, बहुत तकदीर वाली हो। देखो भाई लोग इतने नहीं है, बहनें कितनी ज्यादा बैठी हैं, आपको निश्चय ज्यादा है भाइयों की अपेक्षा, तो निश्चय है तो काम भी कर सकते हैं, बड़ा भारी। लौकिक घर को भी संभालना है और इस ईश्वरी परिवार को भी संभालना है, क्योंकि ये जो ईश्वरी सेवा में बहनें उतरी हैं या भाई उतरे हैं, उनकी भी मालिक आप ही हैं, उनकी परवरिश करने वाली भी आप ही हैं। तो ऐसे अनुभव करते थे। आलरन दादी एक दिन बोली कि गुलजार दादी छोटी सी थी, गोदी में थी, जिस समय ज्ञान में आई हैं तो ये गोदी में थी। इनकी माँ का नाम था, नाम तो कुछ और रहा होगा, लेकिन ऑलराउंडर के नाम से प्रसिद्ध थी। ऑलराउंडर का मतलब होता है सारे काम कर लेना, लिखा पढ़ी भी करना, सफाई भी कर लेना, खाना भी बना लेना, मार्केट का काम भी कर लेना, तो उसका नाम ऑलराउंडर पड़ गया था। तो हम एक दिन दोपहर में गए, मुझे बहुत सारी बातें बता रही थी, ये बुक पोस्ट आते हैं इसके धागे इकट्ठे कर करके रख रही थी। मैंने कहा दादी क्या करोगी धागों का? कहती है ये धागे सारे इकट्ठे करके ना मैं माउंट आबू भेज देती हूँ, इनसे फिर बुक पोस्ट जो आता है ना हमारा, वो धागे से बंद करके आता है लिफाफा, इससे फिर बंद के आ जाएंगे तो वेस्ट नहीं जाएगा, बर्बाद नहीं होएगा। तो हमने आलरनर दादी को देखा, जैसे बहनें रहती हैं आश्रम में, तो देखा 2-4 नींबू रखे हैं, कटे हुए खराब हैं, कूड़े के डिब्बे में डाल दिए। तो क्या करती थी, उठ करके कूड़े के डिब्बे चेक करती थी कि कोई अच्छी चीज तो नहीं कूड़े के डिब्बे में फेंक दी, तो कहती थी हाँ, तो चेक करती थी वो कि कूड़े के डिब्बे में किसी बहन ने कोई तो नहीं फेंक दिया, और रात की 2-4 रोटियां रखी हैं उठा के कोई बहन कूड़े के डिब्बे में डाले, तो कहती थी क्या बात है, इसको गर्म करके खाया जा सकता है, ये भगवान का परमपिता परमात्मा का यज्ञ है, ऐसे मत फेंको, ये दान पुण्य के धन से ही हमारा आश्रम चलता है। माताएं कोई इतना आटा ले आती हैं, कोई इतनी चीनी ले आती हैं, कोई इतनी दाल ले आती हैं, कोई धीरे से, कोई भंडारी में रुपया 2 रुपया 10 रुपया 50 रुपया डाल जाती हैं। ये इतना बड़ा यज्ञ जो चल रहा है, इसको चलाने वाला कौन है, हाँ? कौन जवाब देगा, इस यज्ञ को चलाने वाला कौन है, कोई बोलेगा, हाँ? बाबा चलाता, बाबा नहीं चलाता, माताएं चलाती हैं। इसीलिए नारा क्या लगाते हैं, भारत माता की जय। इन माताओं ने इतने बड़े यज्ञ को संभाला है, ये माताएं अपनी घर गृहस्थी भी संभालती हैं, पति बच्चों को भी संभालती हैं, और फिर सेवा केंद्रों को भी संभालती हैं, सेवा का
सेंटरों को भी संभालती हैं, आश्रम को भी संभालती हैं। अब देखो हम लोग आश्रम में रहते हैं, कितने 7-8 लोग रह रहे हैं, इतने लोगों में कोई नौकरी करने वाला नहीं है, कोई कमाने नहीं जाता कहीं पर भी, कौन खिलाता है, कौन खिलाता है? आप लोग अगर नहीं खिलाओ तो हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। इतने बड़े यज्ञ को चलाने वाली आप माताएं हो, इसीलिए पता है, देखो नारा जनता दुनिया यही लगाती, भारत माता की जय। माताओं ने बड़े बड़े काम किए, घर गृहस्थी भी संभालती हैं, परिवार भी संभालती हैं और सेवा केंद्रों को भी संभालती हैं, कोई कम बात नहीं। मेरे भाई लोग ये डरना नहीं कहीं आप लोग समझो कि माताएं सब कुछ दे आती हैं जाके, ऐसे ये लोग बैठे हैं भाई लोग शायद ऐसा सोच लें तो जाके झगड़ा करें घर में। कोई इतनी पोटली ले आती है, कोई इतनी चीनी ले आती है, कोई पुड़िया इतनी आटे की ले आती है। वाह, आप लोग ले आते तो हम लोग रोटी खा लेते, अगर नहीं लाओ कल से बंद कर दोगे तो हम लोग मांगने नहीं जाएंगे आपके पास, भूखे ही सो जाएंगे, मांगने नहीं जाएंगे। मांगने से मरना भला, लेकिन भगवान खुद ही इतना फिक्रमंद है, वो आप लोगों को भरता रहता है। ये माताएं किसकी किस्मत बनाती हैं? हाँ, अपनी नहीं, अपने पतियों की किस्मत बनाती हैं। पति लोग तो कुछ करते नहीं है, आते भी नहीं है, 2-3-4 आ जाएंगे, माताएं तो बहुत सारी आती। तो ये माताएं जो अपने पतियों की किस्मत बनाती हैं, तकदीर बनाती, उनका भाग्य बनाती। इसीलिए कहा गया है वंदे मातरम, इसीलिए कहा गया भारत माता की जय, भारत पिता की जय किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं बोला। महात्मा गांधी ने इतने इतने काम किए, महात्मा गांधी की जय किसी ने नहीं बोली, लेकिन भारत माता की जय बोली बड़े बड़े लोगों ने, भारत माता की जय। कुछ आप लोगों के अंदर ताकत आई, कुछ हिम्मत आई कि नहीं? मेरे को याद आ गया, याद आ गया, एक दफा महात्मा गांधी जी से हमारी मुलाकात हुई दिल्ली में, बैठे थे, गए थे मिलने के लिए, हम खास गए थे जहाँ उनकी सभा होती थी, रोज गायन होता था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो हम थोड़ा नज़दीक चले गए, नज़दीक जाके बैठ गए, उनके बातचीत किया हम। मैंने उनसे कहा आपको एक बात हम सुनाते हैं, हमारा हेड ऑफिस माउंट आबू में, और 500 लोगों 500 महिलाओं का खाना एक ही चूल्हे पर बनता है। वो बोले हैं, बड़ा ताजुब का है, कहते ऐसा भी हो सकता है? तो बोले हमने तो एक 17 महिलाओं का संगठन बनाया था कि मिलजुल के 17 महिलाएं आपस में समाज का कुछ काम करेंगी और आपस में मिलजुल करके रहेंगी, लेकिन वो 12 दिन भी नहीं चला, एक की चुटिया दूसरे के हाथ में, लड़ाई हुई तो हमने खत्म कर दिया। कहने लगे जरूर कोई ईश्वरी शक्ति है जहां 500 महिलाएं एक साथ रहती हैं। तो एक बार गंगे बहन मेरे को सुना रही थी, गंगे बहन वैसे भी छोटी थी, जितनी सारी बहनें थी सबसे छोटे कद की थी, छोटे छोटे हाथ थे, शरीर भी छोटा था। तो हमको कहती भगोना मानने को दे दिया, एक बड़ा सारा इतना बड़ा, अब उसको कैसे मांजे? तो भगोने के अंदर घुस गए हम, अंदर घुस के और भगोने को चारों तरफ से हम मांजने लगे और गाना गा रहे थे, किसी ने मुझे अपना बना के बर्तन मांजना सिखा दिया। कहती जोर जोर से हम गाना गा रहे थे और भगोना मांज रहे थे। देखो कितना निरहंकारता से यज्ञ की कारोबार को बहनों ने संभाला। और ये देखो
माता गुरु बिना घोर अंधेरा, ऐसा भी किसी ने कहा। भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, वंदे पितरम नहीं कहते। कमाई तो देखो सारी पुरुषों की ही है, ये माताएं ही पुरुषों की भी तकदीर बनाती हैं, वरना पुरुष लोग दान पुण्य इतना नहीं कर करते हैं, माताएं उनके पैसे को सफल करती हैं। ईश्वर भाई आप लोग कोई लड़ाई ना करना जाके, बार बार रिपीट कर रहे हैं बंदे तो बोलने के लिए। हाँ ठीक, तो इसीलिए याद आ गई यही बात, भारत माता की जय क्यों कहा गया। माताओं ने ही भगवान को पहचाना, माताओं ने ही इस संसार को सतो प्रधान बनाया, श्रेष्ठाचारी बनाया और भगवान के कार्य में मददगार बनी। तो पुरुषों की तकदीर तो अपने आप बन गई, क्योंकि माताओं ने अपने पतियों की अपने बच्चों की कमाई को ईश्वरी कार्य में लगाया। इससे कहानी सुना दीजिए, जब दादी को बुलाया था ना इटावा में, गुलजार दादी को, खड़खड़े से दादी आई थी, वो कहानी सुना दीजिए आप, कैसे ट्रैक्टर, ट्रैक्टर नहीं खड़खड़ा, किससे दादी, ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर होता था। दादी को वहाँ इटावा में एग्जीबिशन होती थी, तो गवर्नर आए थे हमारे पास, बी गोपाल रेड्डी गवर्नर थे उस समय, तो बड़ी दीदी मनमोहनी आई थी और गुलजार दादी भी आई थी। तो प्रदर्शनी शहर से बाहर लगी हुई थी, तो वहाँ तक जाना था, कैसे जाना, कोई इटावा के अंदर कोई किसी के पास कार भी नहीं थी उस समय, हमने देखा कोई ऐसा व्यक्ति, हालांकि वकील वकील थे दो चार, लेकिन कार नहीं थी। ओम प्रकाश जॉन जो जबलपुर वाला ओम प्रकाश भी हमारे पास है, इंदौर वाले, वो भी हमारे पास एक महीना रहे थे। तो गुलजार दादी को प्रदर्शनी तक ले जाना था, अब कैसे ले जाए, तो ट्रैक्टर में ले गए, हम भी बैठे थे उसी में ट्रैक्टर में, और ट्रैक्टर ऐसे ऐसे सड़कें खराब सारी, और ट्रैक्टर उछलता, तो खूब हंसे गुलजार दादी, कहे दुलारी बड़े वो लग रहा है, तो है हाँ झूला झूल रहे हैं, दादी कहे झूला झूल रहे हैं, नचके लगे। और बड़ी दीदी भी आई हुई थी, वो भी थी, और दादी गुलजार भी थी, और प्रदर्शनी में उस समय वो एक अंधे थे, कौन वो अंधे थे, बड़े बड़े विद्वान थे, वो अंधे थे, वो पढ़ने नहीं गए स्कूल में एक दिन, लेकिन वेदों का प्रचार इतना करते थे कि बात मत पूछो, वेदों के ऊपर इतना बोलते थे, देखो बचपन से अंधे थे। तो बड़ी दीदी गुलजार हम एग्जीबिशन मंच पर बैठे हुए थे, तो हमने तो देखा, बड़ी दीदी थी तो पैर थक गए दीदी के, दीदी बोली दुलारी पैर में ऊपर कर लूँ जरा, मेरे को बात याद आती, देखो इतनी बड़ी दीदी मेरे से पूछ रही, दुलारी मेरे पैर दर्द करने लगे, थोड़ा ऊपर कर लूँ। ऐसी दीदियाँ दादियों के साथ अपने को रहने को मिला और उनकी पालना मिली, और आज देखो एक दीदी ने शरीर छोड़ा, गुलजार दादी ने शरीर छोड़ा, तो उनके शरीर छोड़ने पर भी देखो उन आत्मा में इतनी ताकत थी, शरीर छोड़ने के बाद भी आप लोगों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया, बुला लिया, आओ आज भोग है, आप लोग आकर किस भोग को स्वीकार करो। तो ये आत्माएं जहाँ भी गई हैं बहुत बड़े बड़े काम करेंगी। अब ये कई पूछते हैं कहाँ गई बता, तो देखो वो तो प्रत्यक्षता अपने आप हो जाएगी। इतना हम आपको बता रहे हैं, ये संसार जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सोने का मृग,
ये सोने जैसा स्वर्ण युग दिखाई दे रहा, ये धराशायी हो जाएगा, चला जाएगा, मिट जाएगा। जितनी किस्मत बाबा के साथ जुड़ करके जिसने बना ली तो बना ली, बाकी तो ये दुनिया ज्यादा दिन अब चलने वाली नहीं है। देखो चारों तरफ से महायुद्ध की तैयारियां हो रही हैं, मारा मारी की तैयारियां, और इसका प्रभाव अभी जो लड़ाई हो रही है, शुरू हो गई दोनों देशों की, इसका प्रभाव भारत में भी आएगा। अगर यहाँ युद्ध शुरू हो गया तो क्या करोगे, क्लास में भी नहीं आ पाओगे। इसलिए करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, फिर ये वक्त नहीं मिलेगा, फिर ये परिवार नहीं मिलेगा, फिर ये ज्ञान नहीं मिलेगा। अब इसका फायदा उठाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ, अपने परिवार की भी किस्मत अच्छी बनाओ, अपने पतियों की, अपने बच्चों की, सबके भाग्य को ऊंचा बना ले। वाली तो माता ही है, इसलिए देखो नारा भी है, भारत माता की जय, भारत पिता की जय किसी ने नहीं कहा। काम आदमी करते हैं सारा, पैसा वही ज़्यादा कमाते हैं, उस पुरुषों के धन से ही आप लोग काम करते हैं, लेकिन फिर भी भारत माता की जय कहा गया, क्योंकि माताओं ने नरक को स्वर्ग बनवाया था। नारी ही नर का कल्याण करती है, ऐसा कहीं नहीं है कि नर नारी का कल्याण करता हो। आप बार बार क्यों रिपीट कर रही हैं? रिपीट कर रहे हैं और क्या, कितनी बार? अच्छा चलो ठीक है। अच्छा ओम शांति लो।